नहीं रखता और नहीं मानता। इसमें यूनियन का हम लोग का कितना बड़ा योगदान रहेगा कि हमारे नौकरी को दिलवाने में, वो अपनी ताकत का कितना हम छात्रों के लिए उपयोग करेंगे अपनी ताकत का। सर कुछ देखिए, ऐसा है, हमने पहले दिन ही आपको बताया था और अब भी बता रहे हैं कि हम पूरे अपनी जितनी भी ताकत हमारी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको नौकरी दिलाने में पूरा विश्वास रखती है, नौकरी दिलाने के लिए पूरा दम लगाएगी। और पहले भी जब रेल एक्ट अप्रेंटिस थे, जब नौकरियां नहीं मिल रही थी, डिप्लोमा होल्डर एक्ट अप्रेंटिस थे, नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो हमारे ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने ये मुद्दा रेल के मंत्रालय के सामने उठाया था, रेल मंत्री के सामने उठाया था, जिसका कारण कि जितने भी एक्ट अप्रेंटिस थे उस समय भी भर्ती हुए थे, और अब भी हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी ट्रेड यूनियन इन एक्ट अप्रेंटिसों को नौकरी दिलाने के लिए जो भी संघर्ष करेगी, तो ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन उससे कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देगी, क्योंकि ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये रेल परिवार के बच्चे हैं, ये एक विशेष जाति या धर्म से संबंधित नहीं है, ये पूरा जो रेल के परिवार के बच्चे हैं, ये मैक्सिमम 90% बच्चे रेल के परिवार से संबंधित है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना खून पसीना एक कर करके इनको नौकरी दिलवाने का प्रयास करें और दिलवाएंगे। सर आज जो है सर, हम लोग इसी आश्वासन पे, यूनियन के आश्वासन पे ही हम लोग अपना धरना स्थल को ख़त्म कर रहे हैं, और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि यूनियन हमारी बातों को रखेंगे। और सर हम लोग पूरा उम्मीद और आपके उस आपका सर बात को मानते हुए हम लोग अपने धरना स्थल को छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक हम लोग सर सभी छात्र लोग गरीब बच्चे हैं, 10 दिन हम लोग ने अपनी शक्ति के साथ अपना यहाँ प्रदर्शन किया, एक अच्छा अनुशासन में रहकर प्रदर्शन किया, और हम लोग को उम्मीद है सर यूनियन अपनी बातों से पीछे भी नहीं हटेंगे और पूरे ताकत के साथ हम बच्चे के लिए सोचेंगे और हमारी बातों को सरकार तक रख करके हम लोग को रोजगार दिलाएंगे। सर इसी बात को हम लोग मानते हुए सर अपने धरना स्थल को स्थापित कर रहे हैं। सर अगला संदेश देखिए, जैसे अन्य मुद्दों पर यूनियन सारे एसोसिएशन रेलवे में मिलकर के जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी, अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को मिलाकर के एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी, उनमें बैठ करके बहुत सारे मुद्दे, सेवंथ पे कमीशन की एनोमली है, बत्तों की बात है, और भी संबंधित जो बातें हैं वो बैठ के डिसाइड होती हैं। तो मैं माननीय सुगोपाल मिश्रा जी जो AIRF के जनरल सेक्रेटरी हैं, माननीय रघुवैया जी जो NFIR के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन है रेल के अंदर, और इनको ट्रेड यूनियन रहते हुए मैं इनसे अनुरोध करूँगा और इनके साथ बैठ करके चर्चा करूँगा कि ये जितने भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं संबंध आपका भी इन लोगों से है और कहीं ना कहीं संबंध हमारी एसोसिएशन का भी है, तो हम सब लोगों को इकट्ठा करके एक एक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी में जो मुद्दे उठते हैं, तो हम ये एक्ट अप्रेंटिस का भी मुद्दा उठाएंगे, और हम बता रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे पूरी जान तक, पूरी ताकत तक हम प्रयास करेंगे कि इन बच्चों को नौकरी मिले। सर एक मिनट सर, इन्होंने जो धरना दिया, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ा शांतिपूर्वक कोई इस तरीके का कार्य नहीं किया कि जिससे सरकार के किसी काम में व्यवधान हो या जिससे सरकार को कोई प्रताड़ना हो। इन्होंने बड़े शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने का प्रयास किया है, और आज तक ये आज अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। मैं भी इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते इनकी बात को रेल मंत्रालय के सामने उठाऊंगा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया के लोगों को भी, जो हमारे अन्य मीडिया के लोग इनकी जो डेली कवरेज दी है, माननीय रवि जी, आज तक के लोग और भी जितने भी मीडिया के लोग हैं, उनके धन्यवाद के पात्र हैं कि इनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन मीडिया के लोगों ने बात उठाई तो रेल मंत्रालय में भी अब इनकी बातों की चर्चा होने लगी है, और कोई ना कोई एक्शन इनके नौकरी पर होगा, इनको नौकरी दिलवाने का काम कोई ना कोई रेल मंत्रालय में प्रक्रिया शुरू हो गई है, और उस प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल होंगे और अपनी बात को भी जोर शोर से उठाएंगे। एक नारा है सर, कर्मचारी बढ़ेगा यूनियन शक्ति बढ़ेगा। यूनियन जिंदाबाद, 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 यूनियन जिंदाबाद, 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 अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ऑल इंडिया स्टेट यूनियन जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया स्टेट यूनियन जिंदाबाद, 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 भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, 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 एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, 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 एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, 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 नौकरी दिलवा के रहेंगे, लेकर रहेंगे, हमारी मांग है, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, रेल मंत्री तक बात अपनी पहुंचा के रहेंगे, एक्ट
मौत दो, मौत दो, नगरी दया मौत दो, मौत दो।